नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। सीकर जिले के लोसल कस्बे के वार्ड नंबर 21 में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आक्रोशित लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच गए तथा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि वार्ड में लंबे समय पर पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को आए दिन पीने के पानी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया, इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 21 पार्षद प्रतिनिधि प्रेमाराम कुमावत ने बताया कि लोसल जलदाय विभाग कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, जिसके कारण लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने चेतावनी दी कि मामले की सुनवाई कर समस्या का समाधान नहीं होने पर कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। 2008 से वार्ड नंबर 21 में पानी की समस्या चल रही है। बीच में आई है, एक बार समय आया ऐसा जेएन एएन एक्शन वगैरह सब आके वार्ड में गली के मान जड़वड़ निकाल के गए थे। उसके बाद में भी वही पानी की समस्या रही थी और बार बार अवगत कराने के बावजूद भी बगड़िया जी को आज तक 15 दिन से सर्दी की टाइम में हम इतने पानी की समस्या है, एक कप पानी का नहीं आता है घरों में। इससे पहले 15 दिन गंदा पानी आया, उसकी समस्या हल करवाई तो वाटर वर्क्स में बगड़िया जी के पास आते तो बोलते हैं हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पाइपलाइन हमें आगे से आ रही नहीं है, पाइपलाइन दे रहे नहीं है। और आज बराबर 12 महीने से बराबर डेली यहाँ कम से कम 5-6 दफे आके चले गए हैं, आज तक पानी की कोई समस्या नहीं हुई है और आज भी है। आज हमारी लास्ट चेतावनी है, उसके बाद में हम कलेक्टर के पास जाएंगे, धरना देंगे वहाँ पे और जब तक पानी की समस्या नहीं होगी पूरी तब तक वहाँ से कलेक्टर कैसी समाधान हो समाधान समाधान नहीं वार्ड नंबर 21 में पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कभी गंदा पानी आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। क्या समस्या है, समाधान करो हमारा, नहीं तो आगे जाएंगे हम।